हम लोगों ने अभी न्यूक्लियर फिशन देखा था, नाभिकीय विघटन देखा था, अब हम जोड़ना, अगर फिर हम आपको याद दिलाऊं वो ग्राफ याद करेंगे। अब इसमें हाइड्रोजन यहां पर है, हाइड्रोजन यहां पर है, दो हाइड्रोजन को या हाइड्रोजन के आइसोटोप को जोड़ा जाए तो हम यहां चले आते हैं चार पर आ जाते हैं हीलियम के पास, और हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी कितना है, बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन का कितना है, 2 के आसपास है, हीलियम का करीब 7 के आसपास है। तो इन दोनों हाइड्रोजन को अगर जोड़ा जाए, संलयन किया जाए, तो हमको हीलियम मिलेगा, और हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन न्यूक्लियस की तुलना में। तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो हमको बहुत अधिक एनर्जी मिलेगी, और ऐसा करने के लिए ये आवश्यक है कि हमारे पास टेम्परेचर बहुत अधिक होना चाहिए। और हमने उस दिन आपसे कहा था कि सूरज को अगर धरती पर एक छोटा सा सूरज बनाया जा सके, तो तभी बनाया जा सकता है जब हमको मालूम हो कि सूर्य के कोर में क्या हो रहा है। तो ये जो सूर्य के कोर में हो रहा है वो यही काम हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन। किसका? हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का। हीलियम बनता है, हीलियम बनता है, और उसके साथ साथ उसका मास कुछ कम होता है और बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न होती है। इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और हम आपको यही बता दें कि हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिराने के बाद वैज्ञानिकों का पूरा ख्याल इस बात पर लगा रहा कि हम इस ग्राफ, ये ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण था, हमने उस दिन भी बताया था, इस ग्राफ को ही पढ़ करके, इस ग्राफ को पढ़ने का मतलब है टू स्टडी द ग्राफ, और एंड आफ्टर दैट दे रीच दैट द कंक्लूजन दैट ए बेटर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर एनर्जी इज टू फ्यूज हाइड्रोजन न्यूक्लियाई देन द फिशन ऑफ यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का विघटन करना एक बात जो अभी हम लोगों ने देखा, लेकिन लोगों ने सोचा कि इससे भी ज्यादा, क्योंकि अब तो स्पर्धा आ गई कि हम एक और ऐसा बम बनाएं जो इससे भी खतरनाक हो, जो हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया गया, और हम अमेरिका का भी ध्वंस करेंगे, इस तरह की बात थी। तो लोगों ने सोचा कि ये काम इस संलयन की प्रक्रिया से जो ऊर्जा मिलेगी वो उस विघटन की ऊर्जा से बहुत ज्यादा होगी, और हम लोग अपने पुराने इतिहास में या वैदिक रीत में भी देखते हैं, हमेशा कहते हैं कि जोड़ना, जोड़ना जो है ज्यादा प्रभावशाली है तोड़ने की तुलना में। तो यूरेनियम को तोड़ा जाता है या हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, तो जो जोड़ना निश्चित रूप से वो ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो ये सूर्य के कोर में, केंद्र में यही होता है, क्या होता है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं और हीलियम न्यूक्लियस बनता है और बहुत सारी एनर्जी बनती है। तो ये रिएक्शन होता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इस तरह का, ये क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ये रिएक्शन होगा, इतनी एनर्जी, ये फिर रिएक्शन होगा, सब कुछ जोड़ दें, जोड़ देने के बाद ये हीलियम का न्यूक्लियस है, ये है, ये है, ये इतनी एनर्जी। हम इसको क्या लिख सकते हैं कि अब देखिए, एक ग्राम 1H2 अगर मेरे पास है, यहां पर क्या था, ये 1H2 है बेसिकली सूर्य के कोर में, 1H2 ही डिफरेंट फेजेस में रिएक्शन करके 1H3, फिर लास्टली 1H4, आखिर में हीलियम 4, 2HE4 हीलियम न्यूक्लियस बनेगा। मुख्य रूप से यही समझिए कि ये हाइड्रोजन, ये 1H1 भी लिख सकते थे, 1H1 रिएक्शन करके 1H2 हो गया, तो और लास्ट में ये बना, तो हाइड्रोजन टू हीलियम, दो हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम बना रहे हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं, जैसे हम लोगों ने निकाला था कि एक ग्राम U235 से कितनी ऊर्जा मिली, इतने हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो हम देखना चाहते हैं कि एक ग्राम 1H2 से कितनी ऊर्जा मिलेगी, और हमको मालूम है कि U235 बहुत भारी है, 1H2 बहुत हल्का है, 1H2 बड़ा आसानी से मिलने वाला है, यूरेनियम बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। तो देखिए कितनी ऊर्जा, एक ग्राम हाइड्रोजन में कितने नाभि होंगे, कितने न्यूक्लियस होंगे, ये है एवोगाड्रोस नंबर है, ये दो उसका एटॉमिक मास है, इतना हो गया,
इतने न्यूक्लियाई होंगे एक ग्राम हाइड्रोजन में। तो एक ग्राम हाइड्रोजन से प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी, ये अभी हमने लिखा है, सबको जोड़ दिया तो 21.6 MeV मिल रहा था। तो ये तीन से मिल रहा था, तीन न्यूक्लियस, तीन से भाग दे दिया, एक में आ गया, ये नंबर आप न्यूक्लियाई से गुणा कर दिया, तो इतनी एनर्जी, कितनी एनर्जी, 21.7 × 10⁻³ MeV ऊर्जा एक ग्राम हाइड्रोजन के आइसोटोप से मिल रहा। और एक ग्राम यूरेनियम से कितना मिलता था, इतना मिलता था। और इतना ही नहीं, एक ग्राम यूरेनियम में जो न्यूक्लियाई की संख्या है उसमें और इसमें फर्क है, तो इसलिए अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन, इसी के हिसाब से चलते हैं, तो ये कितना गुना है इससे, पांच गुना है, एक ग्राम में पांच गुना, तो फिर 10 ग्राम में उसका। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का फ्यूजन इस यूरेनियम के विघटन से बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। इसलिए तमाम वैज्ञानिकों का शोध इसकी ओर आकर्षित हुआ और लोगों ने इसको सफलीभूत किया और ऐसा कर लिया कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई को हम फ्यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो बड़ी समस्या थी कि ये फ्यूजन, उसके लिए टेम्परेचर बहुत अधिक चाहिए था, 10⁸ केल्विन से ऊपर ही टेम्परेचर चाहिए था। तो इतना टेम्परेचर, इस तरह का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली प्राप्त करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन फिशन से, जो अभी हमने यूरेनियम के लिए देखा, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर एक फिशन के यूनिट हो जो टेम्परेचर बढ़ाने के काम आए, तो इस फिशन का इस्तेमाल करके हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं और तब जो है फ्यूजन कर सकते हैं। और ऐसा ही किया गया और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन के भी रिएक्टर्स लगे और उसमें भी सब कुछ वैसे ही रहेगा जिस तरह से हमने फिशन में देखा था। कुछ और सावधानियां हो सकती हैं, लेकिन ये फ्यूजन ज्यादा आसान, ज्यादा सस्ता हो सकता है, क्योंकि यूरेनियम की तुलना में, और यूरेनियम के लिए हम दूसरे के ऊपर आश्रित हो सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है, तो ये ज्यादा अच्छा है। और ये हूबहू सूर्य के केंद्र में, सूर्य के कोर में यही रिएक्शन होता है। और इसमें कई चक्र होते हैं, प्रोटॉन, फिर प्रोटॉन हीलियम। प्रोटॉन क्या है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस है। तो ये रिएक्शन को हम अगर फिर से चाहें तो थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं और इन सबको आप जोड़ करके रख सकते हैं। हम अंत में लिख देते हैं या लिख ही दे रहे हैं, ठीक है, 1H1 + 1H1 ये न्यूट्रिनो है और ये 0.42 MeV, फिर इसका 1H2 और इसका 1H1 एंड ये दिया 2H3 प्लस गामा, फिर ये 2H3 और 2H3 मिल करके 2HE4 ये तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं थोड़ा और इसको इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके, तो फाइनली हम लोग चाहे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लास्ट में 4 यही जो है नाभिकीय संलयन की पूरी प्रक्रिया है। हम देख रहे हैं कि शुरू में बेसिक एलिमेंट क्या है, यही है, एक ही 4 और इस तरह से
और भी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। ये ऐसा आवश्यक नहीं है कि हाइड्रोजन हीलियम ही बने। लेटर फेज में क्या हो सकता है, ये हीलियम फिर कार्बन में भी बदल सकता है, फिर कार्बन नाइट्रोजन में भी बदल सकता है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर और डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियस। इसमें ऐसा हम सोच सकते हैं कि ये आइंस्टीन का फिर मास एनर्जी इक्वेशन को थोड़ा सा हम ध्यान करते हैं तो ये लग रहा है कि जो सन के कोर में हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि मास एनर्जी में बदलता चला जा रहा है, मास एनर्जी में बदलता चला जा रहा है। तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर मास एनर्जी में बदलता चला जा रहा है और हम गणना भी करते हैं कि धरती पर अभी सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है जिसका हम इस्तेमाल सोलर एनर्जी के रूप में कर रहे हैं और पूरी धरती के लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बहुत अधिक करना चाहते हैं क्योंकि इसके फायदे हमने आपको बताया था इसके पहले, तो उसकी मात्रा जो है जो कि केवल सूर्य से धरती की ओर आने वाला जो एंगल है वो बहुत ही छोटा सा है तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, तो पूरे सूर्य के सरफेस से जो एनर्जी चारों तरफ निकल रही है इक्वेटर से पोल से कम होता होगा इक्वेटर से बहुत ज्यादा है, तो देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी सूर्य के सरफेस से प्रति पल बाहर हो रही है। इसका क्या मतलब है कि सूर्य का मास भी कम होना चाहिए क्योंकि एनर्जी किसके कास्ट पर आ रही है, ये एनर्जी इसलिए आ रही है कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन की कमी होती जाएगी, हाइड्रोजन न्यूक्लियस की कमी होती जाएगी, मास उसका कम होता जाएगा और मास जब कम होता जाएगा तभी एनर्जी हमको मिलती रहेगी। और हम ये गणना भी कर सकते हैं कि क्या सूर्य का लाइफ कितना है और सूर्य और कितने दिन तक जीवित रहेगा ताकि वो हमको एनर्जी दे सके, तो कैलकुलेट करने के बाद ये सरफेस एनर्जी का ध्यान रखते हुए इतना केजी पर सेकंड सूर्य का मास कम हो रहा है क्योंकि सूर्य बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी दे रहा है बाहर और इसका जो सरफेस एरिया है ये आपको मालूम है, आप देख सकते हैं कि धरती से कितना गुना है और धरती से सूर्य की दूरी कितनी है, तो बहुत एब्जॉर्प्शन ये सब होने के बाद हमको यहाँ जो सूर्य की एनर्जी मिल रही है तो उसी के आधार पर अभी हम गणना कर रहे हैं, उन सब इफेक्ट्स को छोड़ दिया गया है, तो हम देख रहे हैं कि सूर्य जो एनर्जी निकल रही है सूर्य से हम अपने जो है एंगल में देख रहे हैं कि धरती पर कितना आ रहा है उसके हिसाब से पूरा सरफेस एरिया सन का कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं कि 4×10⁻⁹ केजी पर सेकेंड ये सूर्य का मास कम हो रहा है। और ये देखने में कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा मास पर सेकेंड खत्म हो रहा है तो पर मंथ कितना होगा, पर ईयर कितना होगा, फिर ये तो ये सूर्य का जो लाइफ टाइम है वो करीब करीब 2×10⁻¹ दिस इज एन ऑर्डर ईयर। तो इस पूरे मास को खत्म होने में क्या होगा, पूरे मास को खत्म होने में कितना समय लगेगा, तो हमने ऐसा कैलकुलेट करके बताया गया है कि हाफ ऑफ द लाइफ ऑफ सन इज गॉन, सूरज अपना आधा जीवन बिता चुका है और आधा जीवन बाकी है, तो अभी करीब करीब 10⁻¹ ईयर्स अभी सूर्य का जीवन काल बाकी है और हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये कितना है क्योंकि जो हमारा स्केल है वो तो 100 साल है, 200 साल है, इस तरह का है, तो ये 10⁻¹ ईयर्स इज एट द लाइफ ऑफ सन विच वी कैनॉट इमेजिन, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कितने हमारी कितनी पीढ़ियां आएंगी तब तक ये सन रहेगा, एंड लेट्स होप दैट सन शुड रिमेन फॉर एवर। और सन में जो अगर मास इससे कम होगा, हाइड्रोजन की मान लीजिए इस समय ऐसा आता है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस की संख्या बिल्कुल कम हो गई,
हाइड्रोजन न्यूक्लियस बिल्कुल खत्म हो गए, तो फिर क्या होगा, फिर इसका टेम्परेचर कम होने लगेगा। पर रिएक्शन जब नहीं होगा तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो फिर क्या होगा, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ज्यादा प्रभावशाली होगा और ये संकुचित होना शुरू होगा। तो जब संकुचित होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो कोर के जो पास होंगे वो तो आ जाएंगे छोटे में, और जो बाहरी है जिसका मास बहुत कम है, गैसियस स्टेट में है, वो सब का सब बाहर फैलने लगेगा, एंड इट विल बिकम लाइक रेड। तो उसको हम लोग कहेंगे रेड जॉन्ट, द सन हैज कम इनटू द फेज ऑफ रेड जॉन्ट, और इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा और ये शायद उड़ते उड़ते बाहर चला जाएगा, और बीच में कोर बचेगा फिर ये, और इसका जो स्टार का लाइफ होता है डिफरेंट स्टेजेस में जाकर लास्टली इसकी डेथ हो सकती है आफ्टर बीइंग ए ड्वार्फ ब्लैक होल, तो ये सब खत्म। तो ये अभी बहुत लंबा हम लोग सोच रहे हैं सूर्य के बारे में, तो हम एक दो न्यूमेरिकल, एक दो प्रॉब्लम्स थोड़ा जो आपके सिलेबस के हिसाब से है इसको हम लोगों को आना चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। जैसे 1 AMU, ये तो बहुत बेसिक है, मैंने कहा था कि एनर्जी कितने एनर्जी इसमें है, 1 AMU इट इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻²⁷ kg, एंड बाय आइंस्टीन इक्वेशन इट इज इक्वल टू 1.66 × दिस इज एनर्जी, नाउ दिस इज मास, एनर्जी इज इक्वल टू 10⁻²⁷ × c², c मीन्स 16 joules, दिस इज joules, सो we can find it out how much electron volt, 1.66 × 10⁻². Now this is a simple calculation, you can do it, 0.6 × 10⁻¹⁹, that is the charge on an electron, so it is electron volt, and it is nearly 933.75 million electron volts, MV, million electron. एक और प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट जैसा है, हम लोग उसको देख करके, और आप अपनी किताब से इससे चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कर सकते हैं और करिए। जैसे एक ही है, एक 92U235 है, इससे इसके एक नाभिक से, एक नाभिक से विघटन से 200 MeV एनर्जी निकल रही, 200 MeV एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। तो कितने विघटन, ये एक विघटन से, एक नाभिक से एक विघटन में इतनी एनर्जी मिल रही है, तो कितने विघटन होंगे, कितने विघटन विघटन होंगे प्रति सेकेंड, ताकि 1 kW एनर्जी मिल जाए, 1 kW शक्ति की ऊर्जा या बिजली उत्पन्न हो सके। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक विघटन से 200 MeV, इसको जूल्स में बदल लें, 200 × 1.6 × 10⁻¹³ जूल्स हो गया, एंड इट इज इक्वल टू 3.2 × 10⁻¹⁰ जूल्स। जो हमको प्रति सेकेंड ऊर्जा कितना चाहिए, प्रति सेकेंड ऊर्जा कितना चाहिए, 1 kW, 1 kW मीन्स 10³ watts, 10³ watts या 10³ जूल्स पर सेकेंड, इतना हमको चाहिए, इतना हमको चाहिए। तो विघटन की संख्या क्या होनी चाहिए, प्रति सेकेंड कितना विघटन होना चाहिए, विघटन की संख्या प्रति सेकेंड कितना चाहिए, ऊर्जा
जो चाहिए डिवाइडेड बाई एक विघटन की ऊर्जा, एक विघटन से प्राप्त ऊर्जा, जिसको हम लोग कर सकते हैं 10^3 डिवाइडेड बाई 3.2 इंटू 10^-11 और ये होगा 1 s. तो कितना विघटन होना चाहिए, इतना विघटन होना चाहिए 1 s. तो हमको क्या मिल सकता है, हमको कितना वाट मिलना चाहिए, 1 kW हमको ऊर्जा, इतना पावर की ऊर्जा हमको मिलेगी। तो इस तरह से और भी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन से संबंधित, मास एनर्जी से संबंधित, आपकी किताब में या और अन्य जगह जहां है आप उसको अपने आप हल करिए, और जो कुछ समस्या है आप उसको रख सकते हैं और बाद में पूछ सकते हैं।